दीपिका पादुकोण ने लग रहा है कि लक्ष्मी के कैरेक्टर को जिया है। मैं तो शिवर कर रही थी इस ट्रेलर को देख के, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ये ट्रेलर। दीपिका पादुकोण का जिस तरीके से मेकअप किया गया है वो बहुत ही शानदार है। छपाक का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। छपाक का ट्रेलर मतलब OMG, कितना अच्छा होता अगर ऐसे ना ही मिलता, ना ही बिकता और ना ही फिकता। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आइए जानते हैं हमारी टीम से भी आखिर उन्हें कैसा लगा ट्रेलर। छपाक का ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, जो पूरे 2 मिनट कुछ सेकंड का यह ट्रेलर है। अगर आप पूरे ट्रेलर को देखें तो आप इस पे से कहीं से भी नज़र नहीं हटा सकते। नरेशन, डायलॉग डिलीवरी और दीपिका पादुकोण का जिस तरीके से मेकअप किया गया है वो बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात यह लगती है कि अगर कोई इस तरह की एक्ट्रेस अगर यह कदम उठाती है कि वो एसिड अटैक के मुद्दे वाली फिल्म में वो लीड रोल करें और उस किरदार को निभाए जो इसके पहले उस एसिड अटैकर ने निभाया था, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कदम है उनके लिए कि उन्होंने ऐसी फिल्म को चुना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मेघना गुलजार ने इसको डायरेक्ट किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छी होगी। ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह भी, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो दीपिका पादुकोण इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी है, तो शायद उनका एज ए प्रोड्यूसर ये पहला कदम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे। और जिस तरीके से फिल्म का ट्रेलर दिखा है तो ऐसा लगता है कि ज़रूर फिल्म जब हॉल में रिलीज होगी 10 जनवरी को तो बहुत अच्छा करेगी। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। बेसिकली एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमने लक्ष्मी अग्रवाल को कई बार देखा है। वो एक बार एक न्यूज़ चैनल पे एंकर भी बनकर आई थी, उन्होंने एक दो शो भी ऐसे किए हैं। ये एक लड़की की ऐसे आत्मविश्वास की कहानी है, जो कि उसका चेहरा ख़राब हो जाने के बावजूद, जब लड़कियाँ ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हैं, ख़ुद को अपने आप में समेट के रख लेती हैं, ऐसे में उसने दुनिया का सामना किया। ये एक बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाली स्टोरी है और ये वाकई में बाहर आनी चाहिए थी। मेघना गुलजार ने जिस सब्जेक्ट को चुना है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमको याद होगा कि ये बेसिकली 2005 की स्टोरी है। ये वन साइडेड लव स्टोरी है, जब लक्ष्मी सिर्फ 15 साल की थी और उनके ऊपर एक मनचले लड़के ने तेजाब फेंक दिया था, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था, उसकी दुगनी एज का था और वो बहुत छोटी थी। ऐसी उम्र में वो शादी के बारे में शायद सोच भी नहीं पाती, ये एक बहुत छोटी उम्र होती है 15 साल की उम्र में, किसी को क्या समझ आता है। ऐसे में उसने उसके फेस पर तेजाब फेंक कर उनका पूरा चेहरा ख़राब कर दिया था। तो ये फिल्म देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे ये एक तो सामाजिक मुद्दे से जुड़ी खबर है और देखना चाहिए मुझे लगता है ऐसी फिल्मों को। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर। ट्रेलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब एक बार मैं कहूँ तो ये मतलब शिवर कर देगा आपको ये ट्रेलर देखकर। लाइक जिस तरह से दीपिका पादुकोण का मेकअप दिखा है इस ट्रेलर में, वो लाजवाब है कह सकते हैं। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह से उनका वो था कि चीख सुनाई दी है दो जगह पे उनकी चीख, वो चीख सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कई जगह पे डायलॉग्स भी ट्रेलर में काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर एक जगह में एक डायलॉग ये आता है कि सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब कई सालों तक ये केसेस चलते रहेंगे इस तरह के। और इस चीज़ को मतलब शोर को आप मतलब झेलना शुरू कर दो, क्योंकि मतलब आपका चेहरा देखकर जिस तरह से लोग आपको देखकर डर रहे हैं, तो इस चीज़ की आप आदत डालो। मतलब इस पूरी कहानी को इसमें ट्रेलर में आप देखकर लाइक मैं तो शिवर कर रही थी इस ट्रेलर को देख के, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ये ट्रेलर। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनने जा रही है फिल्म, 10 जनवरी को रिलीज़ होगी। ट्रेलर मैंने देखा तन्वी, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अगर सच बात बताऊं तो मैं देख नहीं पा रहा था ट्रेलर, जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया लक्ष्मी के किरदार को दीपिका ने जिस तरीके से निभाया है, जिस तरीके से एसिड अटैक उन पर दिखाया गया, जिस तरीके मतलब मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे अभी यास्मीन भी कह रही थी कि वो भी एक कांप सी गई देख के ट्रेलर, तो कुछ उसी तरीके के उसी जज्बे के साथ जो है दीपिका पादुकोण ने लग रहा है कि लक्ष्मी के कैरेक्टर को जिया है। आप उनकी एक्टिंग में देखेंगे उस तरीके की चीज़ें जो दिखाई गई हैं, तो सच कहूँ तो एक ट्रेलर देख के रोंगटे खड़े हो गए। और बहुत लग रही है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी। दीपिका पादुकोण ने लग रहा है कि बिल्कुल अच्छे से जो है उस किरदार को निभाया है, निभाया क्या कहते हैं, लग रहा है कि उस लक्ष्मी अग्रवाल के किरदार को जो है उन्होंने जिया है। और मेघना गुलजार
का डायरेक्शन भी मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में जो उनकी पिछली फिल्में हैं एक दो आई उसकी तरह अच्छी होगी। अब इंतज़ार करते हैं फिल्म के रिलीज़ होने के बाद, उसके बाद देखते हैं कि जो है कैसी फिल्म बन पड़ी है ये। छपाक का ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मतलब जिस तरीके से उसमें जैसे लक्ष्मी अग्रवाल के जब 2005 में केस हुआ था तेजाब डाला मुँह पे, तो वो जो टाइम था उन्होंने जो स्ट्रगल था उनका, वो सारी चीज़ें एक बार मतलब दीपिका इतना अच्छा उन्होंने रोल निभाया है कि मतलब वो लग ही नहीं रही कि वो उनकी मतलब जैसे उनका मेकअप किया गया है एकदम ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी अग्रवाल ही हो वो उनका जो मतलब रोल है बहुत सेंसिटिव है। जिस तरीके से उनको मतलब दर्द हुआ था वो चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि दीपिका वो चीज़ महसूस कर रही हैं, वो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने रोल निभाया है ये, तो मतलब ये अच्छा था। लेकिन आज भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि समाज में रुकी नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ होता ही रहता है और इस चीज़ को लेके कितना कोई मतलब हर टाइम मतलब लड़कियां यही डिमांड करती रहती हैं कि मेरे लिए ये कानून बनना चाहिए क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेके अभी जैसे हैदराबाद वाला कांड हुआ था, इस चीज़ को भी लेके मतलब कोई सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए जिससे लड़कियां सेफ फील करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और जिस चीज़ को लेके मतलब उन्होंने अपना दर्द दिखाया वो मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए कि क्या फील होता है। और ऐसे लड़के समाज में हैं तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और मतलब सरकार को कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। देखो तन्वी, जैसा कि अभी बताया मेरे सहयोगी ने कि काफ़ी डरावना मतलब कि वो एक तरह से आप देख नहीं पाएंगे ऐसा ट्रेलर छपाक का है। वाकई मैंने केवल बस 30 सेकंड तक देखा, मैंने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि मतलब मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं कि कैसे उसको देख पाऊँ। इतना भयानक वो था जो तेजाब का सीन था, कैसे तेजाब से फेंका जाता है, फिर उसके बाद लड़की तड़पती है, फिर लोग कहते हैं चेहरा दिखाओ, तो जब चेहरा दिखाती है दीपिका पादुकोण मतलब जो उन्होंने रोल निभाया रश्मि का, वो सीन ही इतना डरावना इतना भयानक लग रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि रियलिटी में वैसा मतलब किस तरह से उन्होंने सहा होगा। तो ये पिक्चर काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे बनी हुई है, तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। जिस तरह से किरदार निभाया दीपिका ने वो भी मतलब काफ़ी दमदार लग रहा है। छपाक का ट्रेलर मतलब OMG, मतलब जब मैंने वो ट्रेलर देखना शुरू किया तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए जब तक वो ट्रेलर ख़त्म नहीं हुआ। कहीं कहीं जगह तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं हटा दूं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसे देख करके अंदर से गुस्सा भी आ रहा था उस इंसान के ऊपर जिसने ये चीज़ करी। और ट्रेलर में जब मैंने दीपिका पादुकोण को देखा तो मुझे देखकर लगा ही नहीं कि वो लक्ष्मी है या फिर दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लक्ष्मी के रोल को प्ले किया है दीपिका ने वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर उनके मेकअप पर भी हम जाएं तो ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि जर्नली फिल्म्स में होता है कि मेकअप बहुत ऑड लगता है, नकली लगता है, लेकिन दीपिका बिल्कुल एकदम बॉडी लैंग्वेज हो चाहे उनका मेकअप हो चाहे एक्टिंग स्किल्स हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट वो लग रही हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो थे विक्रांत मैसी इस मूवी में नज़र आए हैं दीपिका के साथ, इसलिए में वो उनके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। विक्रांत ने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में करी हैं, सपोर्टिंग रोल्स में नज़र आए हैं, इस फिल्म में भी उनका सपोर्टिंग रोल ही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा जो इस फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। जनरली हम फिल्मों में क्या देखते हैं कि मेकअप जो होता है फिल्मों का उसमें ज़्यादातर मेकअप ऐसे दिखाए जाते हैं जो कि फेक और नकली लगते हैं, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का मेकअप इतना अच्छा लग रहा है, उन्होंने उस सर्वाइवर उस लड़की के रोल को इतने अच्छे तरीके से पेश किया है वो लग ही नहीं रही कि वो दीपिका है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज सपोर्टिंग कास्ट इसकी इतनी शानदार है, फिल्म का जो दृश्य जो सीन्स हैं वो इतने इमोशनल के साथ-साथ मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है वो मेघना गुलजार हैं, जो इससे पहले की तलवार और राजी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुकी हैं। इतने खास और इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव मुद्दों पर वो फिल्में बनाती हैं, एक बार फिर वो एक छपाक जैसे इस मूवी को लेकर के आई हैं, तो मुझे यकीनन लगता है कि ट्रेलर देख करके दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं जो उनका डायरेक्शन है मेघना गुलजार का वो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण के लिए ये बेहद ही शानदार फिल्म होगी। क्योंकि याद हो सबको बता दूं कि 2018 में दीपिका की आखिरी मूवी आई थी पद्मावत, उसके बाद से काफ़ी लंबा वक्त बीत गया कि उन्होंने कोई ऐसी मूवी नहीं की है। और वैसे भी आजकल जो ये किसी पर बेस्ड मूवीज़ बन रही हैं उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी चल चुका है, तो ऐसे में दीपिका 10 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएंगी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।
आपको बता दें ये फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म को राजी की डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 10 जनवरी 2020 में रिलीज होगी। वैसे आपको कैसा लगा है फिल्म का ट्रेलर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।